चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं चित्रकूट, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है। सभी सभा और उसकी निष्ठा को व्यक्त करता है। देश और दुनिया के दिव्यांग जनों के कल्याण के लिए जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी राम भद्राचार्य जी के द्वारा इस विश्वविद्यालय की स्थापना उनके जीवन में एक नया ओस और एक नया तेज भरने का एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है, अविस्मरणीय कार्य हुआ है। मैं इसके लिए जगत गुरु रामानंदाचार्य जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। सचमुच जब हम अष्टम दीक्षांत समारोह में यहां पर उपस्थित हुए हैं और इस विश्वविद्यालय से उपाधि धारण करने वाले और अपने अपने विषय में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रकार के पदक प्राप्त यहां प्रदान किए गए हैं, तो ये हमें प्राचीन भारत की गुरुकुल की प्रणाली को स्मरण करा देती है। ये गुरुकुल की प्रणाली भी भारत के ऋषि मुनियों के द्वारा ही प्रदत्त प्रणाली है और आज वही दृश्य हम सबको इस चित्रकूट की भूमि पर जगद्गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी राम भद्राचार्य जी के कारण देखने को मिल रहा है, और वह भी उन लोगों के जिन्हें समाज उपेक्षित कर देता था, जिनके प्रति समाज का दृष्टिकोण कुछ अलग हो गया था, लेकिन पूज्य स्वामी जिन्हें अपनी दिव्यांगता के बावजूद कभी भी अपनी प्रगति में दिव्यांगता को आड़े नहीं आने दिया। और जो यहां पर पूज्य गुरु शरणानंद जी महाराज कह रहे थे कि अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः, वह भाव उन्होंने अपने कृतित्व के माध्यम से, अपने व्यक्तित्व के माध्यम से जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी ने यहां पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना के माध्यम से देश और दुनिया के सामने साबित भी किया है। और यह हर कालखंड में देखने को मिला। वास्तव में अयोग्यो पुरुषो नास्ति, अभी इस समारोह के पूर्व मुझे यहां पर अष्टवक्र सभागार का लोकार्पण करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। वह भी भारत के महान ऋषि थे, दिव्यांगता व्यक्ति की प्रगति में और उसकी प्रतिभा में कभी आड़े नहीं आती, वसरते उसको एक सही योजक मिल जाए। और यह कार्य हर कालखंड में हुआ, हमने हर बार देखा है। ब्रज क्षेत्र में आप जाइए, सूरदास की रचनाओं से कौन व्यक्ति विभूत नहीं हो पाता है, कौन नहीं जानता है। इसी प्रकार से आपने आधुनिक भारत के, आधुनिक विश्व के प्रख्यात भौतिकविद स्टीफन हॉकिंग की के बारे में सुना होगा। दुनिया के रहस्य को, ब्रह्मांड के रहस्य को, यानी अष्टावक्र का एक नया रूप था स्टीफन हॉकिंग। और जन्म से ही वह ऐसी बीमारी से ग्रसित हो गए थे कि जिस बीमारी के कारण न उनको सुनाई देता था, न वो बोल पाते थे, न चल पाते थे, और अगर उन्हें कहीं भी, यानी कोई क्षण उसका ऐसा नहीं था कि जहां पर उनके शरीर में इतना दर्द होता था, इतना पेन होता था कि वे कुछ भी व्यक्त नहीं कर पाते थे, लेकिन कभी उन्होंने हिम्मत नहीं की। और ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में जितना सटीक जानकारी आधुनिक भौतिक विदों में स्टीफन हॉकिंग ने की है, वो अद्भुत है, और मुझे लगता है दिव्यांग जनों के सामने एक उदाहरण भी है। आज के अवसर पर जहां पर अष्टम दीक्षांत समारोह का आयोजन यहां पर संपन्न हो रहा है, मैं यहां पर कुलपति महोदय के द्वारा जब यहां पर दीक्षांत उपदेश दिया जा रहा था, उस समय उन्होंने जिन शब्दों का उच्चारण किया था, भारत की गुरुकुल की परंपरा तैतृय उपनिषद के उन शब्दों को किस रूप में व्यक्त करता है, मुझे लगता है कि भारत की शिक्षा के पूरे के पूरे सार को और उनसे प्राप्त होने वाले संस्कारों को और फिर उससे प्राप्त होने वाले
समाज और राष्ट्र को योग्य नागरिकों की एक श्रृंखला को भी हम सबके सामने खड़ा कर देता है। अगर हमने द्वितीय उपनिषद के इन वचनों को आत्मसात करने का प्रयास किया होता, हमारे शिक्षण संस्थानों ने किया होता, तो मुझे लगता है कम से कम भारत के अंदर तो शिक्षण संस्थाओं को, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों को दुनिया के सर्वोच्च शिक्षण संस्थानों के रूप में अपने आप को स्थापित करने में कोई बाधा नहीं आती और हमारे ये उच्च शिक्षा के संस्थान अराजकता और अव्यवस्था के अड्डे नहीं बनते। हम सब के लिए सोचने प्रश्न है कि जब हम सत्यम वदा धर्मम चरा की बात करते हैं, हमने शांत उपदेश कुलपति जी के मुंह से इन्हीं शब्दों में सुना कि सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, स्वाध्याय में परमात्मा करना, सत्य से न हटना, धर्म से न हटना, कुशल कार्य में कभी प्रमाद न करना, महान बनने के अवसर से न चूकना, पठन पाठन के कर्तव्य में प्रमाद न करना, देवता और पितरों के कार्य यानी यज्ञ और स्नान आदि में से प्रमाद न करना, माता को देवता समझना यानी मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव जैसे अन्य दोष रहित कार्यों को करना, शिक्षा को अर्जित कर रहे हैं और सम विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए प्रभु राम के चरणों में अपनी कथा को समर्पित करते हुए देश और दुनिया में निरंतर केवल और केवल एक लक्ष्य को लेकर के, मैं इस बात को देखता था और दूसरे तीसरे महीने पूज्य महाराज जी का फोन मेरे पास आता था कि भैया बताओ राम जन्मभूमि का फैसला कब हो रहा है। मैं देख के ताज्जुब करता था, महाराज हो रहा है कहा नहीं, मैं अपने सामने ही देखना चाहता हूं कि फैसला आ जाए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या भाव है मैं देखता हूं आज के समय में, जब हर व्यक्ति अपने लिए सोच रहा है, अपने परिवार के लिए सोच रहा है, केवल और केवल मैं और मेरा परिवार, इससे बाहर उसके दृष्टि ही नहीं है, तब जगत पिता भगवान राम के बारे में कोई व्यक्ति सोच रहा हो तो वह केवल जगत गुरु नामानंदाचार्य ही हो सकते हैं। और यह कार्य अक्सर देखता है, मैं जब भी यहां तथा कहता महाराज बताइए कोई बात, कहा नहीं भाई केवल मुझे भैया एक बात बता दो कि राम जन्मभूमि में भगवान राम का मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा। मैं कहता था जरूर बनेगा, अवश्य बनेगा, आप सबकी साधना है, हमारी पूज्य संतों की जो साधना है वो व्यर्थ नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी, और इसलिए हमें अवश्य सफलता प्राप्त होगी और हम सबको इस बारे में मानना चाहिए कि कितना बड़ा निर्णय 9 नवंबर को आया है जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का 500 वर्षों के बाद वो मार्ग प्रशस्त हुआ है, तो संतों का ही सामर्थ्य है, उन्हीं की कृपा है, उनका संघर्ष है, और साथ साथ देश के अंदर ऐसा वातावरण दे देना जिस वातावरण ने दिव्यांग जनों के अंदर भी एक नया भाव पैदा किया है। आप सब जानते हैं पहले हम विकलांग बोलते थे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि नहीं उसके अंदर भी प्रतिभा है, अब उसको विकलांग नहीं बोल सकते, वो दिव्यांग है, उसकी दिव्य ओल और तेज से देश और समाज को दुनिया को लाभान्वित होने का पूरा अधिकार है, इसलिए उन्हें अवसर को उन्होंने अनेक प्रकार से इस मामले में कार्य करना प्रारंभ किया और प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से आज अनिवार्य रूप से कर दिया गया कि दिव्यांग जनों की अलग अलग श्रेणी से जुड़े हुए छात्र छात्राओं को शासकीय सेवा में नौकरी करने का शुभ अवसर प्राप्त हो सके, यह कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण देश और देश के अंदर हर प्रकार की दिव्यांगता से जिन्हें ये कार्य जिन्हें ये हुआ उन्होंने इसके लिए अनिवार्य किया है, भवनों में जाने के लिए उनके लिए रैंप अनिवार्य रूप से बनाई जाए, उनके लिए उपकरण देने की व्यवस्था दिव्यांग जन कल्याण विभाग भारत सरकार का भी और प्रदेश सरकार का भी उनके लिए अलग अलग प्रकार से कार्यक्रमों का आयोजन करता है, अलग अलग प्रकार से आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने की दिशा में कार्य प्रारंभ हुआ है,
और यही कार्य फिर प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भी किया है कि शासकीय सेवा में उनका योग्य प्रतिनिधित्व हो सके और उनके रूप उन्हें सेवा का अवसर पूरा भरपूर मिल सके। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य प्रदेश सरकार ने किया, साथ साथ दिव्यांग जनों के पेंशन की राशि में भी बढ़ोतरी करने का कार्य प्रदेश सरकार ने किया है और आगे भी इन कार्यक्रमों को एक निरंतरता प्रदान करने के सामने हम लोग कार्य कर रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है यहां पर पूज्य महाराज के सानिध्य में जो विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, ये पहले उत्तर प्रदेश सरकार के आईटी विभाग ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और विश्वविद्यालय की स्थापना में के समय जिन शर्तों को रखा गया था उन शर्तों को ध्यान में रखते हुए हमें उसमें कुछ संशोधन करने पड़े और इधर हम लोग इस बारे में हम लोगों ने कार्रवाई प्रारंभ की है कि इस विश्वविद्यालय को हम लोग दिव्यांगजन कल्याण विभाग के साथ जोड़ करके और फिर इसको प्रतिवर्ष हम लोग प्रदेश सरकार के स्तर पर कुछ सहयोग करते रहे जिससे दिव्यांगजनों की जो अमूल्य सेवा यहाँ पर पूज्य महाराज के सानिध्य में हो रहा है यह कार्यक्रम अनवरत रूप से चलता रहे।